दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। और LIC AO के बारे में मैं आपको ये अपडेट देना चाहूंगा कि लास्ट मंथ 16 मार्च को एक हमने RTI फाइल की थी कुछ चीजों के रिगार्डिंग, तो वहां से रिप्लाई आया है। और मैं आपको बता दूं कि क्या हमारे क्वेश्चंस थे। पहले हमने ये क्वेश्चन उनसे पूछा कि जो करंट LIC का नोटिफिकेशन है AO के लिए, क्या इसमें कोई पेनल्टी है रॉन्ग आंसर्स के लिए, तो इस पॉइंट को आप क्लियर कर दिएगा। और दूसरा हमारा ये पॉइंट था कि लोकसभा इलेक्शंस के चलते क्या प्री की डेट जो है 4 और 5 मई है, इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? ओके, क्योंकि 6 तारीख को इलेक्शन डे भी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो भी LIC ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया था वही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, इन्होंने यही बताया है। और किसी भी तरीके की कोई ओपिनियन या इंटरप्रिटेशन जो है ये नहीं दे सकते। यहाँ पर इन्होंने लिखा है द एप्लीकेंट इज इन्फॉर्म दैट ही इज सीकिंग ओपिनियन क्लेरिफिकेशन इंटरप्रिटेशन फ्रॉम CPIO। हाउएवर ओपिनियन क्लेरिफिकेशन डू नॉट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2F ऑफ RTI एक्ट। तो किसी भी तरीके की कोई क्लेरिफिकेशन, क्या निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ये आपको नहीं दी जाएगी। या फिर कोई भी और अदर इंटरप्रिटेशन हो या कोई ओपिनियन हो, आप उसके बारे में जानकारी नहीं ले सकते RTI एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो अभी आप ये जान के चलें कि जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है LICO का, जिसमें निगेटिव मार्किंग के बारे में कोई बात नहीं कही गई। दूसरी चीज़ जो है प्री की डेट डिफाइंड है, तो इन्हीं के हिसाब से आपका पूरा प्रोसेस आगे चलेगा। और एक बात इन्होंने और कहा है कि हाउएवर इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ RTI द एप्लीकेंट इज ऑल्सो इन्फॉर्म दैट द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट ऑफ AO 2019 इज अवेलेबल ऑन LIC ऑफ इंडिया वेबसाइट। ठीक है, तो आप जाएं और वहां पर जाकर चेक करें। इनका यही कहना है जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने ऑफिशियल रिक्रूटमेंट में दी है वही 100% होल सोल जो है इन्फॉर्मेशन है, और उसके अलावा कोई ओपिनियन क्लेरिफिकेशन जो है RTI के अंतर्गत ये नहीं दे सकते। ऐसा जो है LIC के सेंट्रल ऑफिस मुंबई की ओर से जो है रिस्पॉन्स आया है। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो आपके कॉल लेटर हैं वो आपके 22/4/2019 से 30/4/2019 के बीच में आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो LIC का है उसमें ये चीज़ मेंशन है। और जो प्री की डेट है वो 4 और 5 मई है, और आपका जो मेंस है वो 28 जून को होगा। अभी तक किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है। ओके, और अगर ऐसा कुछ होगा तो ये ऑफिशियली उस चीज़ को अनाउंस करेंगे LIC इंडिया की वेबसाइट पर। ओके, तो RTI के अंतर्गत इस तरीके की कोई भी जानकारी हमें नहीं मिल पाई। और आप लोग अभी से अपनी तैयारी जिस रिदम में कर रहे हो उसको आगे कंटिन्यू रखो, और ये मान के चलो कि प्री का एग्ज़ाम आपका ऑन टाइम होगा। निगेटिव मार्किंग के बारे में कोई भी बात नहीं कही गई है, तो मैं आपको बता दूँ कि जब आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने जाओगे तो थोड़ा सा आपको टाइम मिलेगा वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को रीड करने का। जब आप ऑनलाइन टेस्ट को स्टार्ट करते हो तो आप सारे पॉइंट को एक एक बार देख लेना कि कितने सेक्शन हैं, किस तरीके से क्या वहाँ पर है। आपको मिलते हैं 5 से 10 मिनट वहाँ पर, तो थोड़ा सा उस टाइम का यूटिलाइज करना। और उसके अलावा किसी भी तरीके के, एक मुद्दा ये भी है ना कि आप किस तरीके के प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व करो। देखो, आप जो भी प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हो अगर उसमें नेगेटिव मार्किंग है तब भी कोई इशू नहीं, अगर है तब भी नहीं, क्योंकि आप अभी प्रैक्टिस करो उन क्वेश्चंस की, क्वालिटी क्वेश्चंस लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पजल्स डेटा इंटरप्रिटेशन आप सॉल्व करो, तभी एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और जो नेगेटिव मार्किंग का कंसर्न है वो आपको जब आप फाइनल एग्जाम देने जाओगे वहाँ पर ये चीज़ और अच्छे से आपको पता चल जाएगी। ओके, तो अभी तक का पूरा निचोड़ जो है यही है कि हमें तैयारी करनी है, अपना एग्जाम टाइम पर होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो नोटिफिकेशन में ही है, कोई भी चीज़ RTI के द्वारा हमें नहीं मिल पाई। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। यहाँ पर कुछ वीडियोस और भी हमने LIC के बहुत सारे वीडियोस बनाए, आप उनको जाकर देखें और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करें। अभी SBI क्लर्क PO दोनों रनिंग मोड पर है, तो उनकी भी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, टाइम बहुत कम है और आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी, अपना टाइम मैनेज करना होगा। तो इस चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो इस चैनल पर आए तो आप उसको मिस ना कर पाएँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ वंडरफुल डे।